मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक्चुअल रिप्ले मोड। कई लोग क्या कर रहे थे, कई लोग सिनेमैटिक वाला जो रिप्ले मोड है वो आपको दे रहे थे, उससे सिर्फ आप अपने स्क्रीन के एंगल चेंज करते हो, लेकिन ये एक्चुअल रिप्ले मोड है जो कि जावा एडिशन में होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, लेकिन इसमें एक दिक्कत है जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें एक तो आपकी स्किन नहीं दिखती और दूसरा आप इसको 1.20.71 या फिर उसके ऊपर वाले वर्जन में ही खेल सकते हो, नीचे वाले वर्जन आप उसमें नहीं खेल सकते। तो अभी अपनी गेम को अपडेट कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको इस मोड को कर लेना है डाउनलोड। अगर आपको मेरी कोई भी लिंक को ओपन करना नहीं आता तो आप मेरी हाउ टू ओपन वाली वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब आपको चले जाना है अपने जेड जीवर में और आपको इसको रिनेम करना होगा। आपको इसमें से जिप को हटा देना है और इसको ओके कर देना है। अब आपको इस पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक व्यू वाला ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करने के बाद माइनक्राफ्ट को आपने ओपन कर लेना है। तो अब मैं एक आपको न्यू वर्ल्ड बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको चीट्स में से इस चीट सारी चीट्स को आपने इनेबल कर देना है और सारे आपको एक्सपेरिमेंट भी ऑन कर रहे होंगे और रिसोर्स पैक में जाके इस मोड को भी आपने एक्टिवेट कर लेना है। अब आपको अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं आपको इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक क्लॉक लगेगी, आपको क्लॉक में इसको छोटे अक्षरों में आपको लिखना है रिप्ले। आप जैसे ये लिखोगे, आप जैसे क्लिक करके रखो, ये अपना रिकॉर्ड वाली ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो आपको यहाँ से रिकॉर्ड कर लेना है और यहाँ पर आपको कुछ भी बनाने लग जाना है, या फिर आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो अब आपको उस पर होल्ड करके रखना है और स्टॉप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी की फ्रेमिंग करनी है, तो यहाँ पर से आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से की फ्रेमिंग करना शुरू कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं करूँगा, वैसे वैसे आपको इसकी की फ्रेमिंग कर लेनी है। जैसे ही आप सारे की फ्रेम्स को ऐड कर लोगे तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है और इसकी स्पीड को आप कितना भी कर सकते हो। मैं इसकी स्पीड को 3 सेकंड पे रखने वाला हूँ और यहाँ पर आपको दो ऑप्शनें मिलेंगी, फॉलो द प्लेयर और जैसे आपने किया वैसे ही। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से अब आप इसको इंजॉय करो।